यार कैसा है कि एक टाइम था मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं जो IMDb की जो रेटिंग्स थी उनके ऊपर आग बन करके ट्रस्ट कर सकता था। कोई भी मूवी मुझे देखनी हो तो उसके पहले मैं IMDb की रेटिंग जाके चेक करता था, उसका जो रिव्यू है अलग अलग यूजर्स के उन्हें पढ़ता था एंड फिर बाद में ही जाके मूवी को देखता था। बट अभी मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि जो IMDb की जो रेटिंग्स है वो कुछ मूवीज एंड सीरीज के लिए कम्प्लीटली अनफेयर लगी मुझे। जैसे कुछ मूवीज एंड सीरीज जो है उनको कुछ ज्यादा ही रेटिंग दी गई है IMDb पे एंड कुछ मूवीज एंड सीरीज है उनको अच्छे होने के बावजूद भी एकदम लो रेटिंग्स दी गई है। तो अगर मैं आपको इसका बेस्ट ऐसा एग्जांपल देना चाहूं तो टेनेट ये जो मूवी इस मंथ में रिलीज हुई है क्रिस्टोफर नोलन सर की, इस मूवी को सिर्फ 7.6 स्टार्स मिले हैं IMDb पे और ये इतनी मूवी मास्टरपीस ऐसी मूवी है। हाँ ये मूवी समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल है और क्रिस्टोफर नोलन ये जो डायरेक्टर है उनके आई थिंक सिर्फ एक दो मूवीज छोड़ के ही उनके बाकी की सारी मूवीज IMDb के टॉप 250 के लिस्ट में आती है और उन सबको ही काफी अच्छी रेटिंग्स दी गई हैं। तो फिर ऐसा सिर्फ टेनेट मूवी के केस में क्यों हुआ एंड IMDb की जो रेटिंग है उनको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट कैसा है कि जो हर एक कंट्री है हर एक जगह पे हर किसी के पास अभी इंटरनेट आ गया है एंड IMDb का सिस्टम ऐसा वर्क होता है कि कोई भी जाके कोई भी यूजर फ्री में अकाउंट बना के उन्होंने जो भी मूवी देखी है या सीरीज देखी है उनको वो रेटिंग दे सकता है खुद से एंड फिर अपना रिव्यू भी ब्रीफ में डाल सकता है एंड फिर जितने भी जो यूजर्स होंगे उन्होंने जो रेटिंग दी होगी उनका IMDb एक एवरेज निकालता है एंड फाइनल रेटिंग ओवरऑल रेटिंग जो भी होगी वो हमें उस मूवी के या सीरीज के पेज पे दिखती है। बट ऑफ कोर्स कुछ यूजर्स ऐसे भी IMDb पे जो विदाउट कोई भी मूवी या सीरीज देखे बगैर डायरेक्ट रेटिंग दे देते हैं अच्छी बुरी। फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई स्टार होगा जो उनका बहुत ऐसा फेवरेट होगा तो डायरेक्टली उस मूवी को जाके 10 out of 10 स्टार 9 स्टार्स, अगर कोई मूवी के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो उस मूवी को डायरेक्टली जाके 1 या 2 रेटिंग दे देते हैं वो लोग। और डेफिनेटली IMDb पे जो पेड रेटिंग्स दी जाती है उनका कम्प्लीटली अलग सीन है। मैंने नोटिस किया बहुत बार कि जो प्रोडक्शन हाउसेस है बड़े बड़े उनकी जब कोई मूवी रिलीज होती है तो उनके मूवीज के रिलीज के बाद स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स में उनके मूवीज भली हो कितनी भी वाहियात ऐसी मूवी क्यों ना हो उसके स्टार्स आप देखना 8-9 स्टार्स दिए जाते हैं उस मूवी को ताकि लोग उस रेटिंग को देख के IMDb पे उस मूवी को देखने जाए इसके लिए। फिर वो मूवी कितनी भी बकवास क्यों ना हो अगर आप उसके रिव्यूज पढ़ोगे तो हर एक रिव्यू में ऐसे ही आपको मिलेगा वाह क्या कमाल की मूवी है क्या मास्टरपीस मूवी है मतलब उस ईयर की पर्टिकुलर बेस्ट ऑफ द ईयर 2019 बेस्ट 2020 बेस्ट ऐसे ही कमेंट्स मिलेंगे आपको उसमें। बट टेनेट जो मूवी रिलीज हुई इंडिया में तो इसके केस में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये मूवी समझ में ही नहीं आई और बहुत जो बड़े बड़े ऐसे क्रिटिक्स है उन्होंने भी इस मूवी को कहा है कि ये कम्प्लीटली ऐसे इमोशनलेस ऐसी मूवी है। तो उसके वजह से काइंड ऑफ लोगों ने फिर थिएटर से घर जाके डायरेक्टली IMDb पे कम रेटिंग्स दे दी है इसको, फिर क्रिटिक्स ने भी इसको कम रेटिंग्स दे दी है। तो इसके वजह से इस मूवी का जो रेटिंग है वो बहुत ऐसे लो मिली है इसको। इसको आप एक बार देख के जज ही नहीं कर सकते, आपको ये समझ में नहीं आएगी भली आप कितने भी बड़े क्रिटिक क्यों ना हो, आपको इसे एटलीस्ट 2-3 बार देखना होगा इस मूवी की स्टोरी कम्प्लीटली समझने के लिए। अगर आपको स्टोरी कम्प्लीटली समझ में आए फिर आप जाके कुछ भी रेटिंग्स डाल सकते हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी कम्प्लीटली इमोशन लेस है तो मैं उनको कहना चाहूंगा इस मूवी में बहुत सारे इमोशन है बट वो सारे लेयर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो लाउड इमोशंस है। और हम सबको ही आदत लग गई है कमर्शियल मूवीज देख देख के लाउड इमोशंस देखने की स्क्रीन पे, जहाँ पे एक हीरो भाग रहा है हीरोइन चिल्ला रही है हीरो चिल्ला रहा है किसने छुआ मेरे प्रीति को कौन छुआ, तो ऐसे हम लोग को लाउड इमोशन देखने की स्क्रीन पे आदत लग गई है। इसके लिए जो इमोशंस है और स्टोरी भी हमको कम्प्लीटली समझ में नहीं आई इसके लिए हम डायरेक्टली कह रहे कि इस मूवी में कुछ इमोशंस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। टेनेट में बहुत ऐसे इमोशन है बट वो लेयर्ड है सारे। फिर जो मैंने जो वीडियो बनाया था टेनेट का जो एक्सप्लेन किया था मैंने उसमें उसकी स्टोरी को, तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स नोटिस किए जो लोगों ने कहा है कि ये मूवी जरा भी इंटरटेनिंग नहीं है इमोशनलेस है कुछ दिमाग का ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फर्स्ट यार ये सब सुन के मुझे थोड़ा ऐसा बुरा लगता है क्योंकि मुझे मालूम है एक रियल आर्ट एक रियल स्टोरी एक अच्छे मूवी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है फिल्म मेकर को, उनका लाइफ के 3-4 साल चले जाते हैं। और क्रिस्टोफर नोलन जैसे जो फिल्म मेकर है जो इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर है वो अपने मूवीज में CGI को भी यूज नहीं करते, सारे के सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वो यूज करते हैं। सारे के सारे जो इफेक्ट्स आप उस मूवी में देखोगे सारे के सारे कैमरा पे उन्होंने शूट किए हैं। जो कार चेस वाला जो सीन देखोगे आप टेनेट मूवी में उस कार चेस के सिर्फ 5-6 मिनट के सीन को शूट करने के लिए उन्हें 3 वीक्स लगे थे, तो इतनी ज्यादा
ज्यादा मेहनत लगती है एक रियल आर्ट को बनाने में। तो एज अ आर्टिस्ट मुझे ऐसा बुरा लगता है कि ये जो मूवी है इतनी कमाल की होने के बावजूद भी इसको इतने कम रेटिंग्स दिए जा रहे हैं, जस्ट लोगों को वो मूवी समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए इस मूवी को एटलीस्ट 8 या 8.5 का रेटिंग चाहिए था। एंड आई नो कि ये जो रेटिंग है वो आगे जाके चेंज होगा, आगे जितने यूजर्स इसको रेटिंग्स में ऐड करेंगे उतना ये कम ज्यादा होगा। बट मैं जैसे पहले कि मैंने बताया कि मैं IMDb की रेटिंग देख के मूवी देखने जाता था उसके रिव्यू पढ़ के, तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हो जो अभी भी जो IMDb की रेटिंग्स या रिव्यूज पढ़ के मूवी देखने के लिए डिसाइड करे कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक ये उस पे अफेक्ट होगा ये रेटिंग का। एंड फिर ये जो स्कैम 1992 सीरीज आई है जो मेरी मुझे बहुत पसंद आई है सीरीज 2020 की, वन ऑफ द बेस्ट है ये, बट इसको IMDb पे कुछ ज्यादा ही रेटिंग्स मिले, 9.6 कुछ मिले थे जब ये आई थी तभी। मतलब ब्रेकिंग बैड जो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज माना जाता है जिसको, उसको कुछ 9.5 है एंड इसको 9.6 दिए गए हैं। तो ये IMDb का रेटिंग का मुझे थोड़ा इशू लगता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज भी मैंने देखी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई जिनको IMDb पे सिर्फ 5 या 5.8 की रेटिंग दी गई है। तो गाइस ओवरऑल मेरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि जो IMDb की रेटिंग्स आप देखते हो, रिव्यूज पढ़ते हो, उन पे आप हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अभी कंप्लीटली 100% रिलायबल नहीं रही पहले की तरह। सो गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सपोर्ट के लिए वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।